नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जामिया हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति कर सकता है। छात्रों को गिरफ्तार न करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। हिंसा करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी। वहीं कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, हाई कोर्ट कमेटी की नियुक्ति कर सकता है। कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र है और सभी याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप जाइए हाई कोर्ट। और शिवसेना का जामिया हिंसा पर एक बड़ा बयान आया है। जामिया में जलियांवाला बाग जैसा हुआ है, उद्धव ठाकरे ने कहा। ये एक बड़ा बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है। जलियांवाला बाग की संज्ञा दे दी है जामिया हिंसा पर। उद्धव ठाकरे का ये बड़ा बयान आया है कि जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, बीजेपी से अलग हुए हैं, ऐसे में उनका ये बयान काफ़ी मायने रखता है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जलियांवाला बाग जैसा हुआ है जामिया में। तो ये लगातार जामिया का जो मामला है, हालांकि हिंसा वहाँ पर जो हुई थी अब शांति है, लेकिन मामला अदालत पहुँच चुका है। तो जामिया हिंसा मामले पर उद्धव ठाकरे का भी बड़ा बयान आया है। उधर सुप्रीम कोर्ट